सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस वॉलेट पे आपको पहले पैसा ऐड करना होगी। पैसा ऐड करके सबसे पहले आपको बिटकॉइन को बाय कर सकते हो। तो पैसा को ऐड करने के लिए ऊपर पे कॉर्नर पे वॉलेट देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ पे वॉलेट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे ऐड फंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके सबसे पहले तो आपको पैसा को ऐड करनी है। तो यहाँ पे ऐड फंड वाला जैसे ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, आप यहाँ पे पैसा ऐड करने की ऑप्शन शो हो जाएगा। डाल लेता हूँ अपना हिसाब से और यहाँ पे ऐड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आप पैसा को ऐड कर सकते हो। सर यहाँ पे कंटिन्यू टू पे वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको पेटीएम या फिर फोन पे चूज कर लेते हैं। एंड फोन पे चूज करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट, सबसे पहले आपको बैंक अकाउंट ऐड करनी होगी। आप अगर बैंक अकाउंट को ऐड नहीं किया है तो जैसे कि मैंने बैंक अकाउंट ऐड नहीं किया है तो यहाँ पे ऐड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे डाल देंगे। तो उसी बैंक अकाउंट से आपको पेमेंट करनी होगी तभी अपना जो कि पेमेंट होगा। तो बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे री एंटर अकाउंट नंबर डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे अपना आईएफएससी कोड डालेंगे। कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करके अपना बैंक अकाउंट को ऐड कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से प्रोसेस होके अपना अकाउंट पे ₹1 ट्रांजेक्शन होगा, ट्रांजेक्शन होके वेरीफाई होके अपना बैंक अकाउंट जो की ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे सक्सेसफुली अपना बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी डालना है, जिस ऐप से आप पेमेंट करना चाहते हो उस ऐप का यहाँ पे यूपीआई आईडी डालेंगे, रिडायरेक्ट हो जाएंगे पेटीएम ऐप पे, पेटीएम ऐप से आप पेमेंट कर लेंगे। कुछ देर वेट करने के बाद यहाँ पे यूएस वॉलेट पे अपना जो कि पैसा ऐड हो चुका है। इस तरीके से अपना कुछ देर वेट कर लेंगे, यूएस वॉलेट पे अपना पैसा ऐड हो जाएगा जो पैसा आप यहाँ पे ऐड किया है। उसके बाद कर लेते हैं बैक। बैक करने के बाद अब बारी आती है इन्वेस्टमेंट करने की।